हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू मैथ्स। नाउ इस वीडियो में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द लाइन x-2y-7=0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। बिकॉज क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा है ना, इसका सोल्यूशन उतना सिंपल नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत ही इस क्वेश्चन की है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में तो बस एक छोटा सा लाइन में खत्म हो गया, बट इसकी प्रोसेस 3 स्टेप में खत्म होता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो ध्यान देखिए वीडियो पे। ठीक है, चलो मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसको x डैश बना लेते हैं, इसको y डैश बना लेते हैं। ये ओरिजिन है। आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं। आई डोंट थिंक इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आपको ये भी पता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, अगर आप उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा निकल के आएगा, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं रेंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन से रिलेट मत, क्वेश्चन से सिर्फ समझने के लिए रिलेट कीजिए, बट क्वेश्चन में जो ये वैल्यूज गिवन है इस पे बेस ये फिगर नहीं ड्रॉ हो रहा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और उसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, जरूरी ऐसे ही हो। ठीक है, उसका जो फेस है वो किसी की तरफ टिल्ट हो सकता है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अब एक पॉइंट है 1, 2। अब पॉइंट है, मान लीजिए 1, 2 कहीं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1, 2। अब आप चाहते हैं कि इस पॉइंट का इमेज आप इस लाइन पे देखें। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन को आप मिरर कंसीडर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट, इस ये जो पॉइंट है, इसका एक मिरर इमेज देखें। तो इसका एक मिरर इमेज होगा इसके जस्ट पीछे। ये फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, राइट? ये ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है, ब्लैक वाला इसकी इमेज है। तो आपने इस ब्लैक वाले के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, समझ रहे मेरी बात? और ब्लू वाले के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, 2। ठीक, तो ये जो यहां पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे ये जो लाइन होगी जो इसको इस तरीके से ज्वाइन करेगी, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि अगर एक ऐसे करके मिरर रखा हुआ है और उस पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी जो इमेज बनती है जस्ट उसके पीछे, मतलब जितनी दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर यहाँ पे उसकी इमेज भी ड्रॉ होती है। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? तो अब इस इक्वेशन की आपको गिवन है वैल्यू। ठीक है, x-2y-7। अच्छा, एग्जाम में ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे आप, ये जो समझाने के लिए था। एग्जाम में कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा फिगर, अभी जस्ट आप समझिए इस बात को, क्योंकि वो पूरा इमेजिन जब तक नहीं कर पाएंगे सॉल्व नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो जिसकी इक्वेशन गिवन है इसकी हेल्प से आपने निकालना है स्लोप। और बिकॉज दोनों लाइनें यहां पे परपेंडिकुलर है तो इस स्लोप की हेल्प से आप इस वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होता है, m1 × m2 = -1, राइट? और इसकी हेल्प से ये जो दूसरी ब्लू वाली जिसको मैं डार्क कर रहा हूं इसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास दोनों लाइन की इक्वेशन मिल चुकी हैं, दोनों लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन। और कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे ये एक्स और ये वाई। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो पहले काम करते हैं, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप ये जो रिक्वायर्ड है एक्स और वाई ये निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले काम करते हैं, इसको कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि फिगर में ऐसा नहीं ड्रॉ होगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम में थोड़ा सा चेंज होगा। एक लाइन है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है एक्स, मतलब इसकी इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू नहीं दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इसकी इमेज पता चल जाए।
ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ना ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और हम किसी तरीके से इनके जो ये कॉमन सॉल्यूशन है ये निकाल रहे हैं। और अगर एक कॉमन सॉल्यूशन निकल जाएगा तो आपको पता है कि जितनी दूर इमेज होती है उतनी दूर ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी ही डिस्टेंस ये वाली भी होगी। तो ये एक्स एंड वाई इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा होगा, और आप उसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं वाई को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, और वाई को शिफ्ट कर लेते हैं एक्स बाई टू माइनस सेवन बाई टू, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो आप देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, y इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स के साथ m होता है प्लस c, तो इसका मतलब यहाँ पे जो m होता है ये हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो m आ रहा है 1 बाई टू, एक्स के साथ क्या वैल्यू है यहाँ पे 1 बाई टू है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा स्लोप आ गया 1 बाई टू, ठीक है। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों को हमने इमेज फाउंड करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको एम वन मान लेते हैं, और हम लोग एम वन इंटू एम टू, हमें पता है जब परपेंडिकुलर होता है तो एम वन इंटू एम टू कितना होता है माइनस वन, एम वन कितना फाइंड आउट किया हमने 1/2, तो क्या हम दूसरी इक्वेशन का स्लोप निकाल सकते हैं यहां से? बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग दूसरी इक्वेशन का भी स्लोप निकाल सकते हैं। यहां तक समझ आया आप लोगों को? तो दूसरी इक्वेशन का स्लोप निकल चुका है, अब दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन का स्लोप निकल चुका है, अब दूसरी लाइन का इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इनटू एक्स माइनस एक्स वन। आई होप ये वाले आपको सब लोगों को क्लियर है। सो वाई माइनस वाई वन कितना है हम लोगों का, देखिए टू है यहाँ पे गिवन है, स्लोप कितना निकाला है हम लोगों ने माइनस टू, और एक्स माइनस एक्स वन कितना है वन, क्योंकि हम यही इससे लिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यही हमें गिवन है, तो ये वाला वैल्यू वन हो गया। क्लियर, पक्का? इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लेके सॉल्व करते हैं, वो है वाई माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू एक्स माइनस वन, यही था, गुड। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू, इसको इधर शिफ्ट किया तो टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस इधर प्लस होके फोर हो गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट हमें देखो ये गिवन है, ठीक है। अब दोनों लाइन की इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों लाइन के अगर कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं निकालना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, क्या है इक्वेशन, एक्स माइनस टू वाई, और एक है टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, और एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन आई थिंक, है ना, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन, वेरी गुड। ये दो इक्वेशन हैं, एक काम करते हैं पहली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा फोर एक्स टू वाई इक्वल्स टू एट, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स फिफ्टीन, सो देयर फोर एक्स का वैल्यू आ गया थ्री। इसकी इक्वेशन कहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो पहली में ही कर लेते हैं, इसमें कर लें, तो एक्स थ्री है तो थ्री माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन, और टू वाई इधर शिफ्ट हो गया पॉजिटिव, और सेवन इधर आके नेगेटिव, और थ्री माइनस सेवन इज माइनस फोर, और वाई का वैल्यू आ गया डिवाइड करके माइनस टू। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, राइट? अच्छा एक काम करते हैं, इस एक्स और वाई को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैपिटल एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है और कैपिटल वाई की ये आ रही है। अब ये कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज है, देखिए मिड पॉइंट, ठीक है। इसको यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ओके नाउ आई थिंक इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 1, 2, इसके मिड पॉइंट के आप निकाल चुके हैं 3, -2, और ये वाले पॉइंट की जो उसकी इमेज होगी वो आपने फाइंड आउट करना है, इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मान लेते हैं, राइट? है ना, मिड पॉइंट समझ आया ना क्यों होगा, बिकॉज आपको पता है कि मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के उतने ही दूर उसकी इमेज भी ड्रॉ होती है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है,
कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आप एक्स वन और वाई वन को ऐड करते हैं, सॉरी एक्स वन और एक्स टू को ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं, सिक्स आ जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स, तो माइनस करके आ गया फाइव, तो एक्स की वैल्यू आ गई फाइव। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई वन और वाई टू को ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं, तो वाई का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर और माइनस टू, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ गया माइनस सिक्स, राइट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिए अगर नहीं समझ आ रहा है। स्टिल कोई प्रॉब्लम रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लस हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है ask.truemaths.com, उस पर जाइए, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इतना लंबा वीडियो।